सूरज बस ढल ही रहा था और मैं क्रिकेट खेल के घर वापस आ रहा था। आते आते रास्ते में एक लड़की दिखा, बहुत खूबसूरत थी वो। मैं बस उसे देख के पागलों की तरह मुस्कुराते रह गया और उसकी उस मुलाकात को ना जाने क्यों मैं भूल नहीं पा रहा था। अगले दिन जब खेल के वापस आ रहा था तब मुझे एक बैल घर के बैल्कनी में वो लड़की दिखी। वो उसकी घर थी। वो डूबता हुआ सूरज को देख रहा था पर ना जाने क्यों मैं उस बैल्कनी पर उगता हुआ चांद देख पा रहा था। एक बार उसने मेरी तरफ मुड़ा और धीमे से मुस्काया और तब मुझे ऐसा लगा कि मुझ जैसी गरीब को एक शहजादी भा गई और सारी तमाम खुशियां मानो मेरे पास आ गई। धीरे धीरे दिन रात उसके ख्यालों में गुम में रहने लगा। यार तुझे क्या हो गया, ऐसा मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा। मैं रोज उस रास्ते से घर आने लगा, रोज मुझे वो बैल्कनी में नजर आने लगी। जिस दिन वो नजर में ना आता था उस दिन मैं खुद को बर्बाद समझने लगता था। धीरे धीरे वो बैल्कनी से उतरकर घर के दरवाजे पर खड़ा होना शुरू कर दिया। मैं जब भी उसके घर के गली से गुजरता था तब भी अपना साइकिल का बेल बजाता था और तब भी वो मेरी तरफ मुड़ के मुस्कुराती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद उसे भी प्यार हो गया, शायद। पर ना जाने क्यों मैं उससे अपना प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैं हिम्मत करके ये सोचा कि आज उससे बात करूंगा ही करूंगा। पर जब वो मेरे तरफ मुड़ा तब मैं हमें साइकिल से नहीं उतर पाया, बस साइकिल में बैठे पागल की तरह मुस्कुराने लगा। तब मैंने उसे अपना प्यार का इजहार करने के लिए एक बहुत पुराना तरीका अपनाया। मैंने एक पेपर का टुकड़ा लिया और उसमें मैं अपने फोन नंबर और आई लव यू लिखा और मैंने वो कागज अगले दिन उसके सामने फेंक दिया। शायद पट जाएगी, यही सोचा था शायद। मैं घर आया, एक्साइटमेंट के मारे मैं कुछ खा भी नहीं सका। पर अगले दिन सुबह तक उसका कोई कॉल नहीं आया। मेरे दिल में गम का काला बादल छा रहा था और मैं उसे कैसे भूल जाऊँ ये समझ नहीं पा रहा था। आज जब मैं खेल के वापस आ रहा था तो मुझे ना जाने क्यों वो जगह बहुत याद आ गई जहाँ मैंने वो कागज़ फेंका था। तो मैंने उधर देखा तो वो कागज़ अभी तक पड़ी हुई थी। तो मैंने उसे उठाया और देखा, वहाँ लिखा है मेरा नंबर और आई लव यू। तब ना जाने क्यों मेरे आंसू बाहर आना चाह रहा था पर मेरे इजाज़त के बगैर वो बाहर आ नहीं पा रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद कागज़ की उस तरह भी कुछ लिखा है। तो मैंने पेपर को मोड़ा और देखा, वहाँ पर एक नंबर लिखा था और लिखा था आई लव यू टू, आई लव यू टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अरे अरे अरे, देखने के बाद एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो छोड़ के जाओ, इतना भुलक्कड़ क्यों होते हैं।